हे गाइस, स्वागत है मिस्टर क्रिएटिव यूट्यूब की एक और फ्रेश वीडियो में। गाइस, आज हम लोग इन दोनों ड्रिल मशीन को आपस में इनको प्रैक्टिकली कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सी ड्रिल मशीन किस काम में बेहतर है। दोस्तों, इससे पहले भी हम लोग इन ड्रिल मशीन के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अभी भी मेरे कुछ सब्सक्राइबर दोस्तों को कुछ चीजें समझ में नहीं आई है, जिसके लिए मुझे वीडियो दोबारा बनानी पड़ रही है। तो आज हम लोग इनको काम करते हुए देखेंगे और देखेंगे कि किन जगहों पर यह ड्रिल मशीन कितनी बेहतर साबित होती है, और आज थोड़ा विस्तार में जानेंगे कि कौन सी ड्रिल मशीन एग्जैक्टली किस काम के लिए परफेक्ट रहेगी। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने जो इन ड्रिल मशीन की वीडियो बनाई थी, अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पे यहाँ पे उसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इन दोनों मशीन में क्या क्या सिमिलरिटी है। दोस्तों, इन दोनों मशीन में ही आपको स्पीड कंट्रोल मिल जाता है, जितना ज़्यादा तेज़ी से ये बटन प्रेस करेंगे उतनी तेज़ मशीन घूमेगी। दोनों ही मशीन में ट्रिगर लॉक करने का ऑप्शन है इन बटनों से। इन दोनों ही मशीन में आपको रिवर्स और फॉरवर्ड मोशन दोनों मिल जाता है, यानी ये दोनों मशीन आगे भी घूमती हैं और पीछे भी घूमती हैं। ये देखिए, अब ये बटन दबा देंगे तो ये पीछे घूमेगी, ऐसे ही ये बटन दबा देंगे तो ये पीछे घूमेगी। ये तो हो गई इन दोनों मशीनों के बीच में समानता। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंट की, क्या क्या अंतर है इन दोनों मशीनों में। ये ड्रिल मशीन आपस में बहुत ज़्यादा अलग हैं। सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग इसमें बात करें तो इन दोनों मशीन की पावर, ये मशीन 300 वाट की है और ये 550 वाट की है। दूसरी चीज़ बात करते हैं इन ड्रिल मशीन के चक, इस ड्रिल मशीन के चक का साइज़ है 10 mm, इसका चक का साइज़ है 13 mm। इस ड्रिल मशीन के चक कीलेस चक है, इसका की के साथ चक आता है। इस मशीन में ड्रिल बिट टाइट करने के लिए आप हाथ से ही टाइट कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आपको ड्रिल बिट लगाना हो तो इस तरह की चक की ज़रूरत पड़ती है। कीलेस चक में ड्रिल बिट लगाना बहुत आसान हो जाता है, बहुत जल्दी काम होता है। इन मशीनों में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है, इस मशीन में आपको हैमर एक्शन मिल जाता है। हैमर एक्शन का बेनिफिट या फ़ायदा आपको मिलता है कॉन्क्रीट पत्थर वगैरह में छेद करने के लिए, जिससे छेद बहुत आसानी से हो जाता है। इस ड्रिल मशीन में आपको हैमर एक्शन का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, इस ड्रिल मशीन की एक एडवांटेज है, इसका टॉर्क कंट्रोल सिस्टम, जो कि इस ड्रिल मशीन में नहीं आता है। टॉर्क कंट्रोल का फ़ायदा आपको स्क्रू के साथ काम करते वक्त आता है, जब भी स्क्रू ढीला या टाइट करेंगे तो टॉर्क कंट्रोल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा काम आता है, इससे आपका स्क्रू ख़राब नहीं होता और आपकी स्क्रू बिट भी बची रहती है। इसमें होता यह है कि जब ये मशीन स्क्रू पूरी तरह से टाइट कर देती है तो घूमना बंद कर देती है, जिससे आपका स्क्रू ख़राब नहीं होता। और यहाँ पे से आप इसको सेट कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ताकत से आप इसको टाइट करना है। कुछ जगहों पे हमें कम ताकत लगा के टाइट करना होता है, कुछ जगहों पे ज़्यादा ताकत लगा के टाइट करना होता है, जबकि इस मशीन में ऐसा नहीं होगा। इस मशीन से अगर आप स्क्रू टाइट करेंगे तो आपका स्क्रू ख़राब होने का खतरा रहता है, लेकिन हाँ, अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो इससे भी स्क्रू ड्राइवर का काम लिया जा सकता है। अब मैं आपको इन ड्रिल मशीन को यूज़ करके बताऊंगा और आपको थोड़ा सा इससे अंदाज़ा मिल जाएगा कि कौन सी ड्रिल मशीन किस काम के लिए बेहतर है। दोस्तों, ड्रिलिंग में दोनों ही मशीनें कोई जवाब नहीं, दोनों ही बढ़िया ड्रिल कर लेती हैं। अब हम लोग कंक्रीट पर होल करके देखेंगे और असली फ़र्क देखेंगे कि दोनों मशीन में क्या फ़र्क आता है। दोस्तों, ये खंबा कंक्रीट का है जिसपे प्लास्टर किया हुआ है, इस पर होल करके हम लोग दोनों मशीन को चेक करेंगे।
जैसा कि आपने देखा कितनी आसानी से ब्लैक एंड डेकर की मशीन ने होल कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मशीन कंक्रीट पे होल नहीं कर पा रही है। दोस्तों आप देख ही सकते हैं ये मशीन कंक्रीट पे होल बिल्कुल नहीं कर पा रही है। हाँ तो दोस्तों आपने अभी देखा कि ये मशीन लगभग ड्रिल मशीन के सारे काम कर सकती है। जो ये ड्रिल मशीन काम कर सकती है वो सारे काम ये मशीन नहीं कर सकती, लेकिन जो ये मशीन काम करती है वो सारे काम ये मशीन कर सकती है। इसीलिए मैंने ये मशीन ज़्यादा प्रेफर की है। ये मशीन ऑलराउंडर है, आपके सभी काम ड्रिल मशीन से जुड़े हुए आसानी से निपटा देगी। तो अगर आप ड्रिल मशीन लेने की सोच रहे हैं तो मेरी सलाह में आप ये ब्लैक एंड डेकर की यही ड्रिल मशीन ले लीजिए, बहुत अच्छी मशीन है और आपको बहुत सेटिस्फाइड करेगी। दोस्तों ड्रिल मशीन से जुड़े हुए सारे काम ये मशीन बहुत आसानी से कर देगी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो ये वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ।